स्टूडेंट हाउ आर यू। बहुत छुट्टियां की, बहुत मौज मस्ती, ईद सेलिब्रेशन। ठीक है, नाउ कम टू योर स्टडी। हम ना पहले चैप्टर 11 आपने ईद से पहले किया था, बहुत दिन हो गए, तो उसका रिव्यू ले लेते हैं। हमारा चैप्टर 11 था सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स जो हैं ये सारे आपने किए थे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमारा सर्किट है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ कंप्लीट पाथ अलोंग विच चार्जेस फ्लो। ठीक है, जिसमें चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। और नेक्स्ट आपने पढ़ा था जो है सर्किट्स, उसमें दो थे, सीरीज सर्किट्स और पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट के फ्लो के लिए सिर्फ वन पाथ होता है, और पैरेलल में मोर देन वन पाथ जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज़ द हाइंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ओम्स लॉ जो है आपको क्लियर था, उसमें हमारे पास है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट। क्लियर है। और हमने कहा था कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो करंट को जो है वो मेजर कर सकें, तो उसमें हमने वोल्टमीटर, अमीटर और मल्टीमीटर जो है वो स्टडी किया था। इलेक्ट्रिकल पावर और इफ़ेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट में हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, केमिकल इफेक्ट पढ़ा था, और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हमने किया था। अब हमारे पास देखें जो हीटिंग इफेक्ट है, उसमें हमारे पास आयरन और टोस्टर जो है वो था। केमिकल इफेक्ट में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो किया था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, याद आया। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ सॉल्यूशन इट कैन ब्रेक अप द सॉल्यूशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट जो है वो आपने किया था, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। हाँ जी बेटा, आज हमारा चैप्टर 12 जो कि बुक का भी लास्ट चैप्टर है और हमारा फिज़िक्स के पोर्शन का भी ये लास्ट चैप्टर है, इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस, यानी खला की तहकीक करना या खला के बारे में जानना जो है, ये हम इस बुक में सब कुछ पढ़ेंगे कि बिग बैंग क्या है, सोलर जो है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम क्या है, और ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें जो स्टार्स मौजूद हैं उनकी शेप कैसी है, वो किस तरह वहाँ मौजूद होते हैं, कैसे होते हैं। इन अ क्लियर नाइट वी कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार एंड अदर हेवनली बॉडी ट्विंकलिंग इन द स्काई। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सीज एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज ऑन ओवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम, यानी एक सूरज और उसके गिर्द जो प्लैनेट्स हैं, वो पहले 9 प्लैनेट्स थे और एक प्लैनेट्स प्लूटो के बहुत दूर होने की वजह से उसे अब सोलर सिस्टम से निकाल दिया। अब एक सूरज और 8 जो सियारे हैं वो मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। व्हाट्स बियॉन्ड का मतलब है कि इस सोलर सिस्टम के पीछे जो है वो क्या है। We know that our solar system is a part of universe. ठीक है, ये आपका MCQ भी है our solar system से। The universe is immensely vast. Immensely का मतलब है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। Vast mean वसी। According to the space scientist, यानी जो space की study करते हैं, द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। उनके मुताबिक ये जो यूनिवर्स है ये फैल रही है, यानी जब ये बनी थी तो ये इतनी वसी नहीं थी जितनी ये अब हो गई है। दे ऑल्सो टेल दैट देयर आर मोर देन 200 बिलियन स्टार्स। ठीक है, 200 अलग हो गया और ये 90 बिलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स। ये आपका MCQ है।
Many questions may arise in our mind as what is the universe? जैसे कि हमारे जहन में ये आता है कि यूनिवर्स या कायनात जो है वो क्या है. How did it begin? ये कैसे बनी. Let us try to find the answers to these questions about the universe. आइए हम यूनिवर्स के मुताबिक जो हमारे जहन में क्वेश्चन हैं उनको तलाश करते हैं. The universe is all of space and everything in it. जितनी भी स्पेस है और उसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है वो कायनात होगी. मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्स इज़ एम्प्टी स्पेस. अब ये आपका एमसीक्यू है. मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्स इज़ एम्प्टी स्पेस. आवर सोलर सिस्टम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम और उसके 8 प्लैनेट है ना, ये इस यूनिवर्स का बहुत छोटा सा हिस्सा है. मैनी थियोरीज आर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजन ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स को की वजाहत करने के लिए जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत से नज़रियात थियोरीज नज़रियात पेश किए. दीज थियोरीज आर रिजल्ट्स ऑफ हार्म ह्यूमन एफर्ट्स इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड ओरिजन ऑफ द यूनिवर्स. अब इन नज़रियात में इंसान की जो कोशिश थी यूनिवर्स को समझने के लिए, अल्लाह ताला की कुदरत को समझने के लिए और यूनिवर्स के आगाज़ को समझने के लिए हमारी बहुत हेल्प की. स्टूडेंट, वो जो अभी हमने ज़िक्र किया कि स्पेस साइंटिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज दी यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए, तो उसमें एक थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी है. अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अदर इब्राहिमिक रिलीजन यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी. ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स कायनात को बनाया. अकॉर्डिंग टू द होली कुरान अल्लाह अलमाइटी सेड कुन यानी हो जा एंड द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड और यूनिवर्स जो है कायनात वो बन गई. और इसका इस्लामिक जो वो है वो फायकून. ठीक है, कुन फायकून और कायनात बन गई. साइंटिस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. वन ऑफ दिस थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो द यूनिवर्स वॉज पैक्ड इनटू वन और जियोंट फायर बॉल यानी आग से जलती हुई एक बहुत बड़ी बॉल थी. इसको देखें आप. ठीक है, देन अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन एक अचानक शदीद धमाका हुआ. स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जिसने यूनिवर्स को बना दिया. दिस एक्सट्रीमली एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग. अब आपको आ सकता है व्हाट इज़ बिग बैंग, तो अबाउट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के मुताबिक ये बिग बैंग पे कंप्लीट हो गया. और ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी से बिग बैंग पे ख़त्म हो गया. दिस एक्सप्लोजन हर्ल्ड मैटर एंड एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन. इस धमाके ने ये जो मादा था इसको हर्ड तोड़ा फैलाया और ये जो तवानाई थी ये हर तरफ फैल गई. आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स अज्यूम द फॉर्म ऑफ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट. बिग बैंग के बाद जो यूनिवर्स था उसको तस्वुर किया गया कि ये बहुत बड़े बादलों का एक जो है हजूम था एक्सपेंडिंग जो फैलता रहा एंड कॉन्ट्रैक्टिंग गैसेज और उसमें गैसें जो हैं वो सिकुड़ती और फैलती रहीं विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ द मैटर कूल्ड. ये मादा जो था जो यहाँ से ये ऐसे फैला तो ये ठंडा हो गया. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कशिश की कुव्वत थी पुल्ड टुगेदर द पार्टिकल्स, उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया और मैटर टू फॉर्म स्टार्स एंड गैलेक्सीज और उससे सितारे और कहकशां जो हैं वो बन गए. बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1927 बाय अ प्रीस्ट. ठीक है, एक पादरी था
जिसने 1927 में फर्स्ट थ्योरी दी और उसका नाम था जॉर्ज लेमेटर ऑफ बेल्जियम, और वो बेल्जियम की सिटी का जो है वो रहने वाला था। दिस थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाई द डिस्कवरीज ऑफ एडवन होबल। एडवन होबल जो है उसने टेलीस्कोप ईजाद की थी और उसके ज़रिए उसने जो कुछ ईजाद किया खला में उसने देखा, एंड नोबल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला था आर्नो पेंजियाज एंड रॉबर्ट विल्सन। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर देखें, हु फर्स्ट प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी से जो है बेल्जियम तक। नेक्स्ट है, हु सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी। द थ्योरी जो है यहाँ से लेके आपका विल्सन तक जो है ये आ जाएगा। अब जो फर्स्ट थ्योरी है होबल की, ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। एडवन होबल फाउंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी। उसने ये सारे तजर्बात के ज़रिए जो है एविडेंस टू सपोर्ट यानी सपोर्ट करने को उसने वाजे किया। ही फाउंड दैट डिस्टेंट गैलेक्सीज के हमसे जो दूर वाली कहकशाएँ हैं वो उसने तलाश की। इन एवरी डायरेक्शन आर गोइंग अवे फ्रॉम अस विद अ वेरी हाई स्पीड। और उसने बताया कि ये गैलेक्सीज हर तरफ जो है बहुत तेज़ी के साथ हमसे दूर जा रही हैं। दिस ऑब्जर्वेशन इज एक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल है इफ़ द यूनिवर्स बिगेन इन अ ह्यूज एक्सप्लोजन, यानी अगर यूनिवर्स एक बड़े धमाके के नतीजे में बनी तो तब ये उसकी जो ऑब्जर्वेशन है ये हम कबूल कर सकते हैं। और एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। द बिग बैंग थ्योरी आल्सो प्रिडिक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। ये जो कॉस्मिक है ये रोशनी है, द ग्लो लेफ्ट ओवर फ्रॉम द एक्सप्लोजन इट्सेल्फ। अगर किसी सितारे के अंदर खुद से जो गैसें जल रही हैं या जो धमाके होते हैं उसकी वजह से जो रोशनी पीछे वो अपने छोड़ते हैं वो कॉस्मिक बैकग्राउंड होता है, और उसकी शुआएँ बहुत तेज़ होती हैं इसलिए वो रेडिएशंस कहलाती हैं। तो ये डिस्कवर किया था साइंटिस्ट आर्नो पेंजियाज ने। दिस रेडिएशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1964 बाय आर्नो पेंजियाज एंड रॉबर्ट विल्सन। दे लेटर वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी। इसका जिक्र हमने ऊपर जो है वहाँ भी किया था। ऑल्दो द बिग बैंग थ्योरी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इट प्रोबेबली विल नेवर बी प्रूव्ड। ठीक है, इसको कबूल तो कर लिया गया लेकिन इसको जो है प्रोबेबली गालिबन विल नेवर बी प्रूव, लेकिन ये साबित नहीं हो सकी, यानी इसके बारे में वो ज़्यादा मालूमात जो हैं वो नहीं दे सके। इट कैन नॉट आंसर मैनी क्वेश्चन अबाउट द ऑकरेंस ऑफ बिग बैंग, क्योंकि बिग बैंग के वजूद के बारे में वो बहुत से क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर सॉल्व नहीं कर सके। ठीक है, अब यहाँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो हमारा बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये आपका जो है एमसीक्यू है, रॉबर्ट विल्सन लेफ्ट साइड पे खड़ा है एंड आर्नो पेंजियाज राइट साइड पे डिस्कवर्ड कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन इन 1964। टिटबिट में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एडिशनल, व्हाट इज़ एन एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ सन मून स्टार एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, एन एस्ट्रोनॉमर स्टडीज द स्पेस ऑब्जेक्ट्स। इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन एस्ट्रोनॉमर स्टडीज। ठीक है, ये टिटबिट में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके, लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया और ऊपर मैंने आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल जो है बताए। एक्टिविटी के लिए हमें जो है बैलून चाहिए, स्टिकिंग पेपर चाहिए, ठीक है, जिसे हम राउंड जो है काट के ये देखें इसके ऊपर हम लगा लेंगे। फिर बैलून को जैसे ही हम जो है ब्लो अप करेंगे, जैसे जैसे बैलून का साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा, ये जो सर्कल्स हम इसके ऊपर स्टिकी पेपर के लगाएंगे ये दूर दूर होते जाएंगे। ये एक्टिविटी हमें जो है बताएगी कि मॉडल ऑफ एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है वो
किस तरह जो है यूनिवर्स फैल रही है और उसके ऊपर जो स्टार्स हैं और जो हमारे वहाँ पे गैलेक्सीज हैं वो किस तरह एक दूसरे से दूर जो हैं वो जा रही हैं। डू द गैलेक्सी गेट एनी बिगर एज द यूनिवर्स एक्सपेंड? यस, ठीक है। जैसे जैसे जो है ये यूनिवर्स फैलेगा गैलेक्सीज जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी। वट रिलेशनशिप कैन यू फाइंड बिटवीन द स्पीड ऑफ गैलेक्सी मूविंग अपार्ट एंड देयर इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर? ज़ाहिर है जब स्पीड, हाँ जी बेटा, इसका रिलेशनशिप जो है वो ऐसे होगा कि एज़ फास्ट एज स्पीड ऑफ द गैलेक्सीज देयर डिस्टेंसेज फ्रॉम वन अनदर इनक्रीज।